हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना कि कवर ब्लॉक क्या होते हैं और इनके साइज क्या होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कवर ब्लॉक को कैसे बनाया जाता है। तो जिसमें सबसे पहले हम सैंड और सीमेंट का प्रॉपर रेशियो लेके मिक्स कर लेते हैं। इनका जो रेशियो होता है वो 1:2 का या 1:3 का लिया जाता है। इनके रेशियो को हम मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी मिलाते हैं और पानी मिलाने के बाद अच्छा सा होमोजीनियस मिक्सर बना लेते हैं, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है। इसके बाद हम एक प्लेन सरफेस पे इसको बिछा लेते हैं और उसकी थिकनेस जितनी थिकनेस की हमें कवर ब्लॉक बनानी है उतनी थिकनेस रखी जाती है। तो ये थिकनेस हमारी 1.5 इंच या 2 इंच होती है। इसको बिछाने के बाद हम चारों तरफ से इसकी एक लेयर काट देते हैं और इसे एक स्क्वायर शेप में दे देते हैं, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। इसके बाद इस तरह से स्क्वायर शेप बन जाता है। इसके बाद हम टेप से मेजर करते हुए 2-2 इंच या 1.5 इंच जितने का भी साइज जितने साइज का कवर ब्लॉक बनाना है उसका उतने का ही हम इसमें निशान लगा लेते हैं। और उसके बाद फिर हम एक पटरे और करनी की हेल्प से इसे उस निशान के अकॉर्डिंग काट लेते हैं। तो इस तरह से निशान लग चुका है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह से पटरे को दबाकर कटिंग किया जाता है। इस तरह से एक तरफ से पूरी कटिंग करने के बाद फिर हम दूसरी तरफ से कटिंग करते हैं। इस तरह से स्क्वायर शेप में एक कवर ब्लॉक आ जाता है। तो फाइनली इस तरह से कवर ब्लॉक बन जाता है। इसके बाद हम इसको 24 आवर के लिए सूखने के लिए रख देते हैं और इसके बाद फिर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि इमेज में दिख रहा है कि सारे जो कवर ब्लॉक हैं उनको अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद एक कट्टे इसको क्यूरिंग के लिए ले जाया जाता है। क्यूरिंग के लिए हम इसको पानी में डालते हैं। इसके लिए हम कट्टे की हेल्प लेते हैं। कट्टे में हम इसको भर लेते हैं और उसके बाद हम पानी में डाल देते हैं क्यूरिंग के लिए। क्यूरिंग करने के बाद इसको क्यूरिंग हम 7 दिन तक करते हैं, 7 से 14 दिन तक। उसके बाद हम इसको एज अ कवर ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो ये इमेज में दिख रहा है फाइनली ऐसा कवर ब्लॉक बन के आता है। इस तरह से नॉर्मली कवर ब्लॉक बनाया जाता है। लेकिन आजकल एक नया तरीका आ चुका है जिसमें क्या करते हैं, जब हम कवर ब्लॉक को स्क्वायर शेप में काट देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो अब हम उसके बीच में बाइंडिंग वायर को लगा देते हैं 2 सिरे वाले, जिससे क्या होता है जब ये हार्ड हो जाता है तो उस बाइंडिंग वायर की हेल्प से हम उसे रेनफोर्समेंट में बांध सकते हैं, जिससे क्या है कवर ब्लॉक रेनफोर्समेंट के साथ अटैच हो जाता है और अपनी इस पोजिशन से हिलता नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।